हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए तो फिर इस क्लास में बात करने वाले हैं डिफरेंट टीचिंग मेथड्स की। आप देखे होंगे अलग अलग एग्जाम्स में जो टीचिंग मेथड्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड अक्सर एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो इस क्लास में हम जितने भी टीचिंग मेथड्स हैं ना, इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स, जिनके क्वेश्चंस हमने पिछले एग्जाम्स में देखे हैं, वैसे क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप डाउन मेथड और बॉटम अप मेथड का। इसको आप टॉप डाउन अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमको पिछले एग्जाम्स में देखने को मिले थे। चलिए तो फिर पहले देखते हैं टॉप डाउन मेथड एक्चुअल में है क्या। देखिए, अ टॉप डाउन टीचिंग स्किल फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स अ लार्ज व्यू ऑफ अ सब्जेक्ट, इमर्सिंग देम इन द बिग पिक्चर विदाउट एक्सप्लेनिंग द कंपोनेंट्स दैट मेकअप द सब्जेक्ट। सबसे मेन चीज ये है और सबसे इजी चीज ये है कि देखो, नाम से ही क्लियर है वैसे तो, ठीक है, नाम से ही क्लियर है। दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो हो गया टॉप डाउन मेथड, है ना, और दूसरा क्या हो गया, बॉटम अप मेथड। मैं दोनों को पहले समझते हैं फिर आगे भी चलेंगे, ठीक है। एक है टॉप डाउन और दूसरा है बॉटम अप। तो टॉप डाउन मीन्स क्या है, टॉप से डाउन, है ना, मतलब ऊपर से नीचे आना। कहाँ आना, ऊपर से नीचे आना, तभी तो टॉप डाउन होगा ना, ऊपर से नीचे आना, ठीक है। और बॉटम अप क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले ये टॉप डाउन हो गया, बॉटम अप क्या हो गया, बॉटम मींस होता है नीचे, अप मींस होता है ऊपर। बस इतना ही समझना, इतने में आप दोनों टॉपिक को समझ जाएंगे, टॉप डाउन और बॉटम अप। बॉटम अप मेथड क्या, सीधा नीचे से चालू करें सिखाना, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना नीचे से चालू करना। सबसे पहले लेटर्स सिखाएंगे, वर्ड्स सिखाएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाना, वो क्या हो जाता है, बॉटम अप मेथड। और सीधा जो भी नॉलेज है उनमें बिना कोई नीचे से या शुरुआत से ना चालू करके सीधा उनको बोलना सिखाना, जो लैंग्वेज है ना उनका पूरा सीधा सीधा उनके उनसे परिचय करवाना, उनको बोलना स्टार्ट करवाना, वो क्या कहलाता है, टॉप डाउन मेथड कहलाता है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो मैंने एक सेंस आप लोगों को क्लियर कर दिया कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है और बेसिक सेंस क्या है दोनों का, ठीक है। देखिए, तो जैसे कि हमने देखा, इट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स अ लार्ज व्यू ऑफ अ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उनका पूरा एक लार्ज कंप्लीट व्यू प्रोवाइड करा जाता है शुरू से ही, ठीक है। इमर्सिंग देम इन द बिग पिक्चर विदाउट एक्सप्लेनिंग द कंपोनेंट्स दैट मेकअप द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जो भी कंपोनेंट्स है ना, जैसे मैंने बताया, वो सभी बताए बिना जो लर्नर्स है सीखने वाले हैं उनको सीधा उस लैंग्वेज में ही उसमें क्या करा जाता है, उसमें ही उनको लगा दिया जाता है कि इसको इस तरह से बोला जाता है, ये सभी चीज़ें, मतलब डायरेक्ट बोलना स्टार्ट करा जाता है। एग्जाम्पल में देखो, इन एन इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज क्लास अ टॉप डाउन अप्रोच वुड बिगिन बाय इमर्सिंग स्टूडेंट इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश इमीडिएटली इंक्लूडिंग राइटिंग रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। शुरू से ही सीधा सीधा प्रोनाउंसिएशन करना, रीडिंग राइटिंग करना, हर चीज़ को स्टार्ट कराया जाता है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। जो भी लर्नर है उसको भाषा में सीधा से लगा दिया जाता है, उसको बोलना स्टार्ट करा दिया जाता है, उसको लिखना पढ़ना या उनके तरीके स्टार्ट कराया जाता है। स्टूडेंट्स वुड नॉट बी टॉट द इंट्रिकेसीज ऑफ वावेल्स नाउंस एंड प्रोनाउंस फर्स्ट, इंस्टीड दे वुड बी प्लंग्ड इन टू द टोटलिटी ऑफ लर्निंग इंग्लिश एंड देन ग्रेजुअली लर्न द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट मेकअप द इंग्लिश लैंग्वेज। बच्चों को या लर्नर्स को या सीखने वालों को जो भाषा की बहुत सारी जो कठिनाइयाँ हैं, जो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, उसको न रटवाकर जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब्स वर्ब्स सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है, ये सारी जो कठिनाइयां हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको न कराकर सीधा उनको क्या करा जाता है, उनको लर्निंग इंग्लिश स्टार्ट करा दिया जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे फिर सतत रूप से उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब उनके जो पूरा लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है वो याद कराया या समझाया जाता है या बोलना सिखाया जाता है, ठीक है। सीधी सी और सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोले तो नीचे से स्टार्ट न कर सीधा ऊपर की चीज़ों को सिखाना, ठीक है, बोलना सिखाना सीधा। अब बोलना सीखना है तो फिर नाउन प्रोनाउन सीखो, ग्रामर सीखो, लेटर सीखो, फोनीम सीखो, ध्वनि सीखो, प्रोनाउंसिएशन सीखो, ऐसा नहीं, सीधा बोलना स्टार्ट करा दे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टॉप डाउन मेथड। ये वाला जो मेथड है ना, छोटे बच्चों के लिए उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होता, ठीक है। जो पिछला कुछ एक नॉलेज लेकर आए हैं, एक अच्छा बैकग्राउंड है, थोड़ा सा कुछ नॉलेज है, उन लोगों के लिए ये मेथड स्टार्ट ठीक है, क्योंकि वो लोग सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। अब बच्चे सीधा स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना। चलो देखते हैं बॉटम अप मेथड क्या है। बॉटम अप मेथड ना छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, स्पेशली प्राइमरी या मिडिल लेवल के बच्चों के लिए, एलिमेंट्री जो क्लास है उन लोगों के लिए, क्योंकि ना इसमें होता क्या है, देखिए, अनलाइक अ टॉप डाउन टीचिंग अप्रोच विच टेक्स अ माइक्रो व्यू ऑफ सब्जेक्ट फर्स्ट, अ बॉटम अप टीचिंग अप्रोच बिगिंस विद द कॉम्पोनेंट्स पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब टॉप डाउन टीचिंग मेथड के जस्ट उल्टा, जो क्या करता है, सीधा मैक्रो टीचिंग स्टार्ट। मैक्रो टीचिंग मतलब एक विस्तृत रूप भाषा का, वो पढ़ा दिया बताया दिया जाता है बच्चों को सब्जेक्ट का, है ना, उसके जैसा नहीं, बल्कि उसके अपोजिट क्या होता है, बॉटम अप मेथड में बच्चों को क्या करा जाता है,
टीचिंग बिगिंस विद द कंपोनेंट, छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स है ना लैंग्वेज के, उसको स्टार्ट करा जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट के। जैसे जैसे कि हमने अभी देखा फोनीम वगैरह, सेंटेंस बनाना, ठीक है, नाउन प्रोनाउन हो गया, इंग्लिश सिखाना है तो एग्जाम्पल में देखो, इन एन एस एल क्लास, मतलब इंग्लिश क्लास में, अ बॉटम अप अप्रोच वुड बिगिन विद थिंग्स सच एज फोनीम्स, लेटर्स, वॉवल्स, सिलेबल्स, विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। ये सभी क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होती है, कोई भी चीज़ बड़ा वाला बिल्डिंग बनाना है तो छोटे छोटे ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स से बनते हैं, तो ये सभी क्या होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है। अब ये सभी चीज़ों को सीखोगे, सीख सीख के मतलब जोड़ते जाओगे एक दूसरे से, और फिर एक बड़ा बिल्डिंग बनता है। बड़ा बिल्डिंग बना है मतलब हम लैंग्वेज, हमारा लैंग्वेज का स्ट्रक्चर हम सीख गए, वही होती है बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाती है, इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन उसमें डायरेक्ट क्या बिल्डिंग ब्लॉक को ना अवॉइड किया जाता है, कि इसमें टॉप डाउन अप्रोच में, ठीक है। चलिए, तो ये आई होप कि आपको ना टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच में डिफरेंसेस समझ में आया होगा और आप दोनों को समझ गए होंगे, ठीक है, टॉप डाउन और बॉटम अप। चलिए अब हम आगे चलेंगे द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज में, ठीक है। भाषा सिखाने के डायरेक्ट मेथड किसको बोलते हैं वो देखिए। इन दिस मेथड द टीचिंग इज डन इंटायरली इन द लैंग्वेज बींग लर्न, द लर्नर इज नॉट अलाउड टू यूज हिज और हर ओरिजिनल लैंग्वेज। जो डायरेक्ट मेथड होती है ना कोई भी लैंग्वेज सिखाना, जैसे तो ना सीखने वाले को या बच्चे को डायरेक्ट उस लैंग्वेज को बोलना पड़ता है, ठीक है। लर्नर को थोड़ा भी अलाउ नहीं रहता उनके जो ओरिजिनल लैंग्वेज है या उनके जो मदर टंग है उसको बोलने का, ठीक है। जो लैंग्वेज सिखाना चाह रहे हैं ना उस लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट कराया जाता है और डायरेक्टली उसको सिखाया जाता है, ठीक है। मतलब जो भी सिखाएंगे, जैसे बच्चों को कुछ सिखाना है तो उसको उसी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे जिस लैंग्वेज को, अब मान के चले मेरे को इंग्लिश पढ़ाना है तो मैं बच्चों को ना इंग्लिश में ही सिखाऊंगा। ग्रामर्स रूल्स आर अवॉइडेड एंड देयर इज एन एम्फेसिस ऑन गुड प्रोनाउंसिएशन। ग्रामर रूल्स रेगुलेशन वगैरह को थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है इसमें, और प्रोनाउंसिएशन में खासा ध्यान दिया जाता है डायरेक्ट मेथड में, ठीक। चलिए आगे हम चलेंगे नेक्स्ट, जो कि है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये क्या है देखिए, इन दिस मैथड लर्निंग इज लार्जली बाई ट्रांसलेशन टू एंड फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज। नाम से ही क्लियर है, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड मतलब ट्रांसलेशन के ऊपर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है लैंग्वेज सिखाने के लिए। सेंटेंस वगैरह है उसका ट्रांसलेशन करो ग्रामेटिकली और उसको सिखाओ बच्चों को। ग्रामर रूल्स आर टू बी मेमोराइज, ग्रामर रूल्स वगैरह को याद करवाया जाता है। एंड लॉन्ग लिस्ट ऑफ वोकेबलरी लर्न बाई हार्ट, और बहुत सारे वोकेबलरी भी सिखाए जाते हैं है बच्चों को। देयर इज लिटिल ऑन और नो एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन डेवलपिंग ओरल एबिलिटी को डेवलप करने में ज़्यादा इसमें जोर नहीं दिया जाता। दिस मेथड इज मोस्टली कॉमनली यूज्ड इन सेकेंडरी एजुकेशन। मोस्टली ये वाला जो मेथड है ना सेकेंडरी एजुकेशन में यूज होती है ना मेथड का, भाषा सिखाने में, ठीक है। चलिए हम अगला चलेंगे द स्ट्रक्चरल मैथड में। द स्ट्रक्चरल मैथड इज ऑल्सो क्लियर विथ इट नेम्स ओनली, है ना, अपने नेम से ही क्लियर है। स्ट्रक्चर के थ्रू लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करना या लैंग्वेज सिखाना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल मेथड। दिस मेथड सीज लैंग्वेज एज अ कॉम्प्लेक्स एंड ग्रामेटिकल रूल्स विच आर टू बी लर्न वन एट अ टाइम इन अ सेट ऑर्डर। ग्रामर स्ट्रक्चर्स आर यूज टू लर्न द लैंग्वेज। सीधी सी और सिंपल सी बात यही है भाई कि स्ट्रक्चर्स वगैरह बना बनाकर मतलब सूत्र फार्मूला नियम से क्या कराना लैंग्वेज को सिखाने की कोशिश करना। सपोज यू हैव टू टीच योर स्टूडेंट्स टेंस, ठीक है, टेंस सिखाना है। टेंस सिखाना है तो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं आप देखे होंगे, टेंस सिखाना है तो बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर्स लिखवाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर्स में आपको लिखवाएंगे सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, है ना, ये तो हो गया किसका अफर्मेटिव का। फिर आपको नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखवाएंगे, फिर आपको इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखवाएंगे, इंट्रो प्लस नेगेटिव, तो एक एक उसमें 8-10 स्ट्रक्चर या जो फॉर्मूला है वो लिखवाया जाता है। फिर आप चलेंगे पास्ट में तो पास्ट के पूरे स्ट्रक्चर, फिर फ्यूचर में चलेंगे तो फ्यूचर का पूरे स्ट्रक्चर। तो इस ये वाला जो मेथड है ना ये कहलाता है स्ट्रक्चरल मेथड, और ये वाला मेथड ना उतना सुटेबल या उतना यूजफुल नहीं होता, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। स्ट्रक्चरल मेथड इज नॉट दैट यूजफुल, ठीक है, कंपेरेटिवली जो अदर मेथड है, अपन नेचुरल मेथड वगैरह की बात करें, ठीक है, वो ज़्यादा यूजफुल होता है। तो ये हो गई स्ट्रक्चरल मेथड, आई होप आप समझोगे, नाम से क्लियर है। स्ट्रक्चर्स के थ्रू बच्चों को सिखाने का कोशिश करना किसको, लैंग्वेज को। द नेचुरल मेथड ये कौन सा मेथड है भाई, दिस अप्रोच प्रपाउंडेड बाय प्रोफेसर क्रशेन। अच्छा ये याद रखना भाई, नेचुरल मेथड हैज बीन प्रपाउंडेड बाय, ये किसको ये द्वारा दिया गया है, क्रशेन के द्वारा दिया गया है, जो कि एक बहुत ही फेमस पर्सन है लैंग्वेज लर्निंग के फील्ड में। प्रोफेसर क्रशेन स्ट्रेसेस द सिमिलैरिटीज बिटवीन लर्निंग द फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज। अब यह नेचुरल मेथड भाई ये भी नाम से क्लियर है नेचुरल, ये क्या किया है प्रोफेसर क्रशेन ने, क्या किया है, एक ऐसा किसी भी लैंग्वेज को सिखाना है जैसे सेकेंड लैंग्वेज सिखाना है, तो सेम सेकेंड लैंग्वेज को कैसे सिखाएंगे,
जो फर्स्ट लैंग्वेज है ना सेम उसी तरह से सिखाएंगे नेचुरल वे में. फर्स्ट लैंग्वेज को नेचुरली सीखते हैं ना हम, नेचुरली सीखते हैं, नेचुरल वे में सीखते हैं, तो सेकेंड लैंग्वेज को भी नेचुरल वे में सीखने पर ही जोर दिया जाता है. देयर इज नो करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स. कोई भी मिस्टेक्स गलती वगैरह कर रहे हैं ना तो उसमें किसी भी तरह का कोई करेक्शन नहीं करा, मतलब रोका टोका नहीं जाता गलतियों पर. ठीक है, नेचुरल अप्रोच. लर्निंग टेक्स प्लेस बाय द स्टूडेंट्स बीइंग एक्सपोज्ड टू लैंग्वेज दैट इज कॉम्प्रिहेंसिबल और मेड कॉम्प्रिहेंसिबल टू देम. जो भी बच्चा लैंग्वेज सीख रहे हैं ना उनके सामने पूरा लैंग्वेज को एक्सपोज किया जाता है, मतलब लैंग्वेज के हर एक एस्पेक्ट से उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, कोशिश किया जाता है कि बच्चे खुद से किसी भी चीज़ को बोलकर सुनकर सीखे या समझे. ठीक है, तो ये नेचुरली लैंग्वेज को सिखाने पर जोर देता है ये वाला अप्रोच. इस अप्रोच को बोला जाता है नेचुरल अप्रोच. ये भी एक बहुत ही बढ़िया अप्रोच है लैंग्वेज सिखाने के लिए, नेचुरल अप्रोच. ठीक है, ये किसके द्वारा प्रपोन्ड किया गया है, किसके द्वारा बताया गया ये वाला अप्रोच, प्रोफेसर क्रशेन के द्वारा. ये आ सकता है एग्जाम में, याद रखेंगे आप. ठीक है, चलिए अगला चलते हैं हम लास्ट में, ऑडियो लिंगुअल अप्रोच. ऑडियो लिंगुअल अप्रोच, द थियोरी बिहाइंड दिस मैथड इज दैट लर्निंग अ लैंग्वेज मीन्स अक्वायरिंग हैबिट. इस मैथड के पीछे का जो थियोरी है ना वो ये है कि जो लैंग्वेज लर्निंग है वो एक तरह से एक आदत, कोई हैबिट एक्वायर करने जैसा है. ठीक है, देयर इज मच प्रैक्टिस ऑफ डायलॉग्स एंड एवरी सिचुएशन. अलग अलग डायलॉग्स एंड सिचुएशंस का क्या करा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराए जाते हैं. न्यू लैंग्वेज इज फर्स्ट हर्ड, नया लैंग्वेज को पहले सुनाया जाता है एंड एक्सटेंसिवली ड्रिल्ड बिफोर बींग सीन इन इट रिटर्न फ्रॉम, और उसको ड्रिलिंग कराया जाता है, बार 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 अभ्यास कराया जाता है. तो ये बेसिकली ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे ऑडियो लिंगुअल अप्रोच में. द थियोरी बिहाइंड दिस अप्रोच इज दैट लर्निंग अ लैंग्वेज मीन्स एक्वायरिंग हैबिट्स. ये किसके अकॉर्डिंग है, ऑडियो लिंगुअल अप्रोच का लाइए. ठीक है, हैबिट्स को एक्वायर करने जैसा है. मच प्रैक्टिस ऑफ एंड डायलॉग, डायलॉग और सिचुएशन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाता है. ठीक है, न्यू लैंग्वेज को पहले सुनाया जाता है और उसको फिर जस्ट बोलने का अभ्यास कराया जाता है. पहले क्या कराएंगे, नए लैंग्वेज को बोलकर सुनाएंगे सीखने वाले को, और जो सुना, ठीक है, ऑडियो लिंगुअल उसी कारण से इसका नाम है, पहले उनको सुनाया जाएगा कि इस तरह से बोलना है, फिर उसको सुनकर उसी तरह से बोलने का, उसी तरह से बोलने का अभ्यास बार 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 कराया जाएगा. ठीक, तो ये वाला अप्रोच होती है ऑडियो लिंगुअल अप्रोच. ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप. तो इस तरह से बेसिकली हमने जितने भी इंपॉर्टेंट अप्रोचेस या मेथड्स थे लैंग्वेज सिखाने का वो हमने डिस्कस किया. आई होप कि सारे अप्रोचेस आपको क्लियर हुए होंगे. तो फिर फिलहाल इस क्लास में, इस स्टूडियो में इतना ही. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर रही है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रही है तो नोटिफिकेशन बेल अगर ऑन नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे. इसके बाद आप अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल में जुड़ना चाह रहे हैं तो उसमें जुड़ सकते हैं. टेलीग्राम चैनल के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं. वहाँ जुड़कर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ, जैसे ये अभी पढ़ रहे हैं, ये इस तरह के इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.